और इसी बीच रुक करेंगे लखीमपुर खीरी का। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। बता दें कि लखीमपुर खीरी में 3 दलित बहनों से गैंग रेप का मामला सामने आया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की लखीमपुर खीरी से सामने आ रही है, जहां पर 3 बहनों के साथ गैंग रेप की पुष्टि की गई है। पुलिस ने इस पूरे मामले की पुष्टि की है और बता दें केस दर्ज कर पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस केस दर्ज करने को दौड़ती रही और इसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी और अहम खबर इस वक्त की सामने आ रही है, जहां पर पुलिस की कार्रवाई में सामने आया है और इसके साथ ही 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ललितपुर के फूल बेहड़ इलाके का यह पूरा मामला है, जहां पर 3 दलित बहनों से गैंगरेप किया गया, जिसके बाद पीड़ित पक्ष पुलिस के चक्कर लगाता रहा, पुलिस स्टेशन गया, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद रिपोर्ट दर्ज की गई और उसके बाद पुलिस जांच में रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों की तरफ से लापरवाही भी इस पूरे मामले में देखने को मिली है, जिस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो वहीं आपको बता दें कि पीड़ित बहनों ने कोर्ट में बयान दर्ज करा दिया है और मामले के सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ललितपुर के फूल बेहड़ इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 3 दलित बहनों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। और इसी बीच रुक करेंगे औरैया की ओर। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें छेड़छाड़ के मामले में सुलह का दबाव बनाने का यह मामला सामने आया है। औरैया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो आपको बता दें कि पीड़िता ने चौकी प्रभारी पर आरोप लगाया है और कहा है कि वो सुलह कराना चाहते हैं, जबरन समझौता कराने का आरोप दरोगा पर लगाया गया। यहां पर बता दें कि छेड़छाड़ का पूरा मामला है, जहां पर जो लड़की का पक्ष है उस पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो समझौता कर ले और केस वापस ले ले। बता दें आरोप में ये पुलिस पर जो है ये आरोप पीड़ित पक्ष की तरफ से लगाया गया है कि जबरन सुलह कराने की जो है नसीहत पुलिस की तरफ से दी जा रही है, एक दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस 5 दिनों से नहीं कर रही है मुकदमा दर्ज। बता दें मुकदमा दर्ज करने से बचने के लिए पुलिस की तरफ से समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है। पूरा मामला लड़की से छेड़छाड़ का है, जहां पर आपको बता दें कि इस छेड़छाड़ के मामले में जब लड़की शिकायत दर्ज कराने गई तो पुलिस ने शिकायत दर्ज करने की बजाय दबाव बनाना शुरू कर दिया सुलह कराने को लेकर। उच्चाधिकारियों से अब न्याय की गुहार पीड़ित पक्ष ने लगाई है और आपको बता दें आजमताल कोतवाली का पूरा मामला बताया जा रहा है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की औरैया से सामने आ रही है, जहां पर छेड़छाड़ से पीड़ित एक लड़की पर जबरन आरोपी पक्ष के साथ समझौता करने का आरोप सामने आया है। केस को रफा दफा करने की यहां पर बात की जा रही है, जिसके बाद पीड़िता ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। और बताते चलें कि पीड़िता ने चौकी प्रभारी पर यह समझौता कराने का आरोप लगाया है, जबरन समझौता कराने का आरोप दरोगा पर लगाया गया है। और ये पीड़िता की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि पुलिस 5 दिन से मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है, बल्कि जबरन सुलह कराने का और समझौता कराने का दबाव बनाए हुए हैं।